गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंट्रैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन में हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन सो दैट द फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड द केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। क्या होता है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में सारे के सारे एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स को इंटीग्रेट करते हैं और सिंक्रोनाइज मैनर में ये सारे काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम क्या करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम सारे के सारे केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, मतलब जो केमिकल रिलीज होते हैं हॉर्मोन से वो सारे काम, ये दोनों मिलके सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। मतलब न्यूरल सिस्टम में क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं इन सब में एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि न्यूरॉन्स है, वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं अलग अलग स्टिमुलाइज को। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या है, बहुत सिंपल है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। जैसे कि हाइड्रा इज अ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, हाइड्रा में सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, जबकि कि इंसेक्ट्स में इनसे ज़्यादा बेटर है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स एंड ब्रेन इज द प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। उनमें क्या है इंसेक्ट्स में कि ब्रेन प्रेजेंट है और उसके साथ नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज भी प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट्स में और डेवलप्ड है, वर्टिब्रेट्स हैव अ डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। अब आते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसमें है CNS और PNS, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएंगी और ये सबको कंट्रोल करेगा, ये सारा काम होता है CNS का। फिर आते हैं द PNS कंप्राइज ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद द CNS। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर टू टाइप। PNS की जो नर्व्स होती हैं ये दो टाइप की होती है, ए फ्रेंट और ई फ्रेंट। ए फ्रेंट जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना, वो सारा का सारा चीज़ या तो हार्ट तक या फिर ब्रेन तक लाने का काम करता है। कहीं पे भी ए फ्रेंट वर्ड है तो वो डेफिनेटली या तो हार्ट तक ब्लड पहुँच रहा है या फिर जो फाइबर है इम्पल्स है वो ब्रेन तक पहुँच रही हैं, ये सारी चीज़ें ए फ्रेंट के थ्रू होंगी। यहाँ ए फ्रेंट फाइबर लिखा है, ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था, वहाँ पे वर्ड था ए फ्रेंट आर्ट्रियोल, ई फ्रेंट आर्ट्रियोल। ई फ्रेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहा था, ग्लोमेरुलर से सारा का सारा ब्लड लेके बाहर जा रहा था, और ए फ्रेंट क्या कर रहा था, सारा का सारा ब्लड ग्लोमेरुलर तक आ रहा था। जब ब्लड ग्लोमेरुलस तक आएगा, जब कहीं से भी ब्लड यहाँ ग्लोमेरुलस तक आएगा, तो वो उस टाइम पे हम यूज़ कर रहे थे वर्ड ए फ्रेंट आर्ट्रियोल। जब ग्लोमेरुलस से ब्लड जा रहे तो तब हम वर्ड यूज़ कर रहे थे ई फ्रेंट आर्ट्रियोल, वहाँ पे ये बात थी। अब यहाँ पे फाइबर है, ए फ्रेंट फाइबर जो है वो इम्पल्स को लेकर CNS तक आएगा, तो वो वहाँ पर होगा ए फ्रेंट फाइबर। जहाँ पे भी सारे के सारे ऑर्गेन या फिर टिश्यू में जाएगा, CNS से टिश्यूज तक जाएगा, तो उस टाइम हम वर्ड यूज़ करेंगे ई फ्रेंट। द ए फ्रेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ई फ्रेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलरिटी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू सेंट्रल कंसर्न पेरीफेरल टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, जब भी ये ध्यान रखना, जब भी ए फ्रेंट की बात होगी तो क्या होगा, टिश्यू या ऑर्गन से सारा का सारा CNS तक की CNS पे इम्पल्स जाएंगे, तो उस टाइम ए फ्रेंट। जब ई फ्रेंट में क्या होगा कि CNS से इम्पल्स ट्रांसफर होंगे टिश्यू या फिर ऑर्गन तक, तब ई फ्रेंट। अब आते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये दो डिवीजन में डिवाइड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या होगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले या इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। ये क्या करेगा, इम्पल्स को, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, इम्पल्स को CNS से स्केलेटल मसल्स की तरफ भेजेगा, फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम करेगा इम्पल्स को फ्रॉम CNS टू
इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड ए स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। ये देखो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक एस से, स्केलेटल मसल एस से। सारा का सारा सोमैटिक में क्या होगा कि CNS से स्केलेटल मसल तक इम्पल्स जाएंगे, उस टाइम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक में क्या होगा कि सारा CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की तरफ या फिर स्मूथ मसल्स की तरफ जाएंगे, तो वो ऑटोनॉमिक। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इन सिंपथैटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिंपथैटिक न्यूरल सिस्टम। ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब आते हैं न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन में क्या किया, तीन मेन पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन अ साइटोप्लाज्म विद अ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सेंट्रल ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड निसेल्स ग्रैनुल्स। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल्स बॉडी कॉल्ड ऑल्सो कंटेन अ निसेल ग्रैनुल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। These fibers transmit impulse towards the cell body. The axon is a long fiber and with the distal end is which is branched. इसमें हमने क्या देखा कि जो न्यूरॉन है वो तीन मेजर पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी में क्या है, कंटेन साइटोप्लाज्म विद द सेल ऑर्गेनल्स, और इसमें क्या है, एक ग्रैनुलर बॉडी है, मतलब ये जो छोटे छोटे से ऐसे दाने दाने जैसे बीच बीच में होते हैं ना, उसको हम कहते हैं निसेल ग्रैनुल्स। अब इनमें क्या है कि एक प्रोजेक्ट, ये जो बाहर की साइड को एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है इन सब में, एग्जॉन्स में, ये सारा अभी मैं फिगर में दिखाऊंगी। ये यहाँ से थोड़ा सा अभी दिख भी रहा होगा, ये वाले जो हैं ये सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स, और इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये क्या करते हैं कि दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, और सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स भेजते हैं। एग्जॉन क्या है, एग्जॉन एक लॉन्ग फाइबर है जो कि डिस्टल एंड पे है, और ये जो एंड जो है ये आगे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो रहा है, जिसको हम सिनैप्टिक नॉब्स कहते हैं। ये सिनैप्टिक नॉब्स में क्या है, इनमें ना केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एंड एग्जॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनैप्स एंड टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एग्जॉन का क्या काम है, वो नर्व इम्पल्स को, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से बाकी सब जगह पे जाएंगे, टू द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ पे जाएंगे ये सारे के सारे इम्पल्स, जाएंगे सेल बॉडी से साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एग्जॉन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। अब ये होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा, विद वन एग्जॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर होगा जब एक एग्जॉन होगा, दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। ये कहाँ होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। फिर आता है बायपोलर। बायपोलर नाम से ही पता चल रहा है, दो होंगे। इनमें क्या है, वन एग्जॉन वन डेंड्राइट फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। बायपोलर कहाँ होता है, रेटिना ऑफ आई में। यूनिपोलर कहाँ होगा, ये होगा सेल बॉडी विद द वन एग्जॉन ओनली एंड फॉर्म्ड यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये ज़्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। दीज आर टू टाइप ऑफ एग्जॉन्स, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप्ड विद द शेजवान सेल्स विच फॉर्म अ माइलिन शीथ। The gap between the two adjacent myelin sheath are called nodes of Ranvier, and myelinated nerve fiber are found in spinal cord, cranial nerves. इन्होंने बताया कि एग्जॉन भी दो टाइप के हैं, एक माइलिनेटेड एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो होगा उनमें क्या होगा, जो एक तो दीज आर एनवलप्ड विद द शेजवान सेल्स, और इनमें माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होगी। माइलिन शीथ होती है मतलब उनके ऊपर एक थोड़ी सी कवरिंग होती है साइड में, अभी मैं दिखाऊंगी। गैप बिटवीन द टू एडजेस्टमेंट, इनके जो दो बीच का गैप होता है, माइलिन शीट्स के दो गैप जो होता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनविया। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व। कहाँ कहाँ होता है ये, स्पाइनल में और क्रेनियल नर्व्स में।
Unmyelinated nerve fiber is enclosed by the Schwann cells that does not form any myelin sheath. इनमें क्या होगा, इनमें myelin sheath नहीं बनती है. ये ज़्यादातर होते हैं autonomous और somatic neural system में. ये है अब न्यूरॉन का structure. ये हम ऑलमोस्ट बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये होते हैं डेंड्राइट्स. फिर देखो ये जो इसमें छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं ना, ये होते हैं निसल ग्रैनुल्स. फिर ये पूरी सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये होते हैं शेजवान सेल्स. ये है, ये पूरा है इसमें, ये एग्जॉन. ठीक है, अब माइलिन शीथ होती है, ये इसके ऊपर ना डार्क एक कोटिंग होती है यहाँ पर, वो होती है माइलिन शीथ. ये है दो के बीच में, ये जो बीच में गैप छूटा हुआ है, ये यहाँ यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पूरी ये माइलिन शीथ है, ये यहाँ पे माइलिन शीथ्स है. जो जगह छूटी हुई है ये होती है नोड ऑफ रेनवियर. फिर ये होते हैं एग्जॉन टर्मिनल्स, और ये होते हैं इनमें सिनैप्टिक नोड्स. इनमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जनरेट कैसे होते हैं, कंडक्ट कैसे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ, जितना हमने पढ़ लिया ये जो ब्रीफ में बताते हैं ना, इसको आप दोबारा भी सुन लिया करो. थोड़ा सा मुश्किल से एक मिनट का होता है, लेकिन उस एक मिनट में जितना भी इम्पॉर्टेंट होता है वो सारा का सारा एक जगह पर आ जाता है. तो मैं कोशिश करती हूँ जितना भी इम्पॉर्टेंट हो वो सारा का सारा मैं दो मिनट तीन मिनट में बता दूँ. तो आप पूरे में जितना भी आपको ब्रीफ में बताया जाता है ना, वो सारा एक बार दो बार ज़रूर सुना करो. अब न्यूरल सिस्टम में क्या हमने पढ़ा, न्यूरल सिस्टम में हमने देखा कि जो न्यूरल सिस्टम है इनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलाइज को. जो न्यूरल सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट्स में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल होता है. जैसे कि हाइड्रा में सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इंसेक्ट्स में ब्रेन होगा, नंबर ऑफ गैंग्लिया होंगे और न्यूरल टिश्यू होगा. वर्टिब्रेट्स में और कॉम्प्लेक्स या फिर और डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है. अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि CNS और PNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल न्यूरल नर्वस नहीं सॉरी न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम. अब CNS में हमने देखा, CNS में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और कंट्रोल का काम करता है. PNS में जो नर्व फाइबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, ए फ्रंट ई फ्रंट. ए फ्रंट का काम था ए फ्रंट ए से आना और ए से ए फ्रंट क्या है, जितनी भी इम्पल्स ब्रेन की तरफ आएंगी वो सारा का सारा काम ए फ्रंट का, मतलब ए फ्रंट इम्पल्स ट्रांसफर करेगा ऑर्गेन या फिर टिश्यू से CNS की तरफ, तो वो ए फ्रंट. ई फ्रंट क्या करेगा, सारा CNS से इम्पल्स जब पेरीफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गेन्स में जाएंगे तो वो ई फ्रंट का काम हो गया. अब इसके बाद फिर हमने देखा PNS आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या था कि जो भी इम्पल्स है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जाएंगी, CNS से स्केलेटल मसल की तरफ इम्पल्स जाएगी सोमैटिक में, एस से सोमैटिक, एस से स्केलेटल मसल. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, इम्पल्स जो है वो CNS से स्केलेटल मसल की तरफ जाएगी. ऑटोनॉमिक में क्या होगा, CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गेन या स्मूथ मसल्स की तरफ को इम्पल्स जाएगी. अब ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम था, ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिंपथैटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिंपथैटिक न्यूरल सिस्टम. उसके अलावा हमने देखा एक इसमें शायद विस्ट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रह गया, ये मैं बताना भूल गई, ये मैं अभी बता देती हूँ. उससे पहले हमने और क्या देखा, हमने देखा कि जो न्यूरॉन है उसकी तीन मेन बॉडीज हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन्स. अब सेल बॉडी में क्या होगा, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे और सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज होंगी जिसको हम निसल ग्रैनुल्स कहते हैं. अब और इसमें क्या है कि जो ये जो प्रोजेक्शन है इनमें, प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड कंटेनर, निसल ग्रैनुल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. इनको हम लास्ट में जो ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी. एग्जॉन का क्या काम होता है, एग्जॉन का होता है ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. हमने देखा कि ये जो ब्रांचेज है, पहले तो हमने देखा एग्जॉन जो है वो लॉन्ग फाइबर है, जो कि डिस्टल एंड इज ब्रांच, जिसकी डिस्टल
एंड जो है वो ब्रांच्ड है, और जो ये ब्रांचेज है ये टर्मिनेट हो रही है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको साइनेप्टिक नॉप्स कहते हैं, जिनके अंदर केमिकल्स हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। एग्जॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इम्पल्स को दीज ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू साइनेप्स एंड टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर हमने देखा कि एग्जॉन ये जो न्यूरॉन्स है ये एग्जॉन और डेंड्राइट्स जो है इनके जो नंबर है ये अलग अलग होते हैं सब में। तो हमने देखा कि ये आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड है। मल्टीपोलर में क्या था कि एक एग्जॉन होगा लेकिन दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स हो सकता है, ऐसा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर में हमने देखा एक एग्जॉन एक डेंड्राइट होगा, ऐसा होता है रेटिना ऑफ आई में। यूनिपोलर में हमने देखा कि एक सेल बॉडी है जिसमें वन एग्जॉन है बस और कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। उसके अलावा हमने और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी, इसमें दो टाइप के एग्जॉन्स देखे थे, कौन कौन से, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो होगा जिनमें एक इनमें क्या है, इनमें जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। नॉन माइलिनेटेड होती है जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। जो ये माइलिनेटेड होते हैं ये ज़्यादातर स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व्स में होते हैं, और ये अनमाइलिनेटेड जो होते हैं ये होते हैं ज़्यादातर ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ये सारा यहाँ पर सारा ब्रीफ हो गया। अब इसमें हम एक टॉपिक रह गया छोटा सा, एक लाइन का, ये विसरल नर्वस सिस्टम। ये है विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइज अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ नर्व फाइबर गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये पार्ट होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। ये क्या करता है, इसमें नर्व फाइबर गैंग्लिया प्लेक्सेस होते हैं बाय विच इससे क्या होता है कि सारा का सारा सेंट्रल जो भी इम्पल्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा की तरफ जाती है और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती है। बस ये इतना सा ही था। अभी हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इनमें क्या है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना ये पोलराइज्ड होती है, इसकी वजह से इनमें एक्साइटेशन रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट टू द न्यूरल मेम्ब्रेन एंड दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। इनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं जो कि परमिएबल टू डिफरेंट आयन, मतलब वो सबकी परमिएबिलिटी सेम नहीं होती। जो ये अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, ऐसे नहीं समझ आएगा। इनमें क्या है कि सबकी परमिएबिलिटी सबके लिए अलग अलग है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन एंड दीज आयन्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब रेस्टिंग स्टेट है। तो क्या होगा कि एग्जॉनल मेम्ब्रेन कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन्स, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन्स। जब रेस्टिंग स्टेट है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन्स होते हैं ना उनके लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है और इम्परमिएबल होते हैं सोडियम आयन्स की, मतलब अंदर की तरफ को क्या होगा, मतलब जो पोटेशियम के लिए उसके लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, सोडियम के लिए कम होगी। द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। किस किस के लिए इम्परमिएबल हो गई, सोडियम के लिए हो गई और नेगेटिव चार्ज के लिए हो गई। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एग्जॉन्स कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज कंटेन प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। अब क्या होगा कि जो एग्जॉन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म है ना उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हो गया, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हो गया, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हो गया। अब क्या होगा, फ्लूड आउटसाइड द एग्जॉन्स कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूड आउटसाइड द एग्जॉन कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। बाहर की साइड मैंने अभी बताया ना, बाहर की साइड क्या है कि जो पोटेशियम है उसका कंसंट्रेशन कम है लेकिन सोडियम का ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स बाय सोडियम पोटेशियम पंप। इनमें क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ना इनमें ये सारे के सारे चेंज होंगे, मतलब इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन होने लगेगा।
विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड, क्या होगा, 3 सोडियम आउटवर्ड जाएंगे एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल्स, और 2 सेल के अंदर जाएंगे. एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन पोसेसेस अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द इनर सरफेस बिकम अ नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर इज अ पोलराइज्ड. पहले क्या था, पहले था कि अंदर की साइड को सारे प्लस चार्ज था और बाहर की साइड को सारा नेगेटिव चार्ज था. पोटेशियम पंप की वजह से क्या हुआ, उसके सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ना उसमें बाहर की साइड को तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर की साइड को नेगेटिव चार्ज हो गया. अब इसको क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर इज अ पोलराइज. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल. देखो इसमें दिखाया है इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द एक्सॉन्स एट द पॉइंट ए और बी पे इम्पल्स कैसे कंडक्ट होगा. इनमें क्या है कि जो ए है ये फ्रीली परमिएबल है सोडियम के लिए. ये देखो इसमें दिख रहा है ये फ्रीली परमिएबल है सोडियम के लिए. यहाँ पे क्या होगा इसकी वजह से, तो आउटर सरफेस जो है वो तो नेगेटिवली चार्ज होगा और अंदर वाला जो सरफेस है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा. द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज रिवर्स एंड हेंस डीपोलराइज. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज अ एक्शन पोटेंशियल एंड टर्म फैक्ट टर्म्ड एज अ नर्व इम्पल्स. इनमें होगा क्या कि जो करंट है, करंट फ्लो होगा इनर सरफेस पे, वो तो होगा ए से बी की तरफ, मतलब यहाँ से इस तरफ को, ये एरो भी दिखाए, यहाँ से इस तरफ को फ्लो होगा. और जो बाहर की तरफ होगा वो इस तरफ को फ्लो होगा, मतलब बी से ए की तरफ को, और ऐसा सारे में होता रहेगा. अब इसको क्या बोलते हैं पूरे को, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ तो बी से ए की तरफ को जा रहे हैं बाहर की तरफ, और अंदर की साइड क्या हो रहा है, ए से बी की तरफ आ रहे हैं. ऐसा पूरी लेंथ में होता रहता है. अब इसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये पूरा का पूरा होता रहेगा. द राइज इन द स्टिमुलेशन इंडक्शन परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम टू एक्सट्रीमली शॉर्ट लिफ्ट. मतलब इनमें क्या है कि जो सोडियम के लिए परमिएबिलिटी होती है ना वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, और फिर इट इज़ अ क्विकली फॉलोड बाई द राइज ऑफ परमिएबिलिटी टू पोटेशियम. इनमें क्या, हमने जैसे देखा नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता क्या है कि पोटेशियम के लिए तो जो परमिएबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, सोडियम के लिए नहीं है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होते हैं. लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, इनकी वजह से ये जो सोडियम के लिए जो परमिएबिलिटी आती है ना ये बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, और जो इसको क्या होता है, इट क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम. पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्साइटेशन साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम वन और मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन. इनमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है, ऐसे पूरे में होता रहता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इम्पल्स जनरेट होते हैं. तो इस पूरे पेज में यही लिखा है कि इनमें इम्पल्स जनरेट कैसे हो रही है. अब ये लास्ट वाली लाइन में लिखा है इट इज़ अ क्विक फॉलोड बाई द राइज इन द स्टिमुलेशन इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिफ्ट. जो परमिएबिलिटी सोडियम के लिए होती है वो बहुत शॉर्ट लिफ्ट होती है, एंड इट इज क्विकली फॉलोड बाई द राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम विच इज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज द आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल. इनमें क्या होता है, पहले पोलराइजेशन होगा, फिर डीपोलराइज हो जाएगा, फिर दोबारा से रीपोलराइज होगा, ऐसा पूरे में होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में एक्साइटेशन होती रहती है, जिसकी वजह से पूरे में होती है. वो पहले थोड़ी देर के लिए सिर्फ ए पार्ट में हो रही थी, फिर बी में हो रही थी, फिर आगे होगी, फिर उसके आगे होगी, ऐसे पूरी पूरी लेंथ तक होती रहेगी. तो इनमें क्या हो रहा, तो वन एंड मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन. इस पूरे एक पेज में यही समझाया गया है. इसको आप शॉर्ट में एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखो, एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग पोटेंशियल.
फिर एक्शन पोटेंशियल क्या था, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सिर्फ साइट ए के लिए बताया है, एट द साइट ए इज द एक्शन पोटेंशियल विच टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, मतलब वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही थी। और एक दे रखा है लास्ट में, और एक ये याद रखो कि पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज होगा, मतलब पोलराइज्ड स्टेज होगा। तो उसमें क्या होगा कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होगा। बाद में क्या होगा, डीपोलराइज्ड स्टेज आएगी, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ को आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ को होगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आती है रीपोलराइज्ड स्टेज, उसमें क्या होगा, अंदर की साइड को तो नेगेटिव होगा और बाहर की साइड को सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो रीपोलराइज में और पोलराइज में दोनों में सेम है, अंदर की साइड को क्या है, अंदर की साइड है नेगेटिव, बाहर की साइड है पॉजिटिव। डीपोलराइज जब होता है तब उल्टा हो जाता है, अंदर की साइड को होता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर की साइड को होता है नेगेटिव चार्ज। इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले पोलराइज होगा, फिर डीपोलराइज होंगे, फिर रीपोलराइज होंगे, ऐसा पूरे में होता रहता है और करंट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।